देखिए खून के धब्बे अब सूख चुके हैं, लेकिन कई जगह पर खून के धब्बे हैं। और जो चीजें मैं देख पा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे पुलिस के बैरिकेड पर भी खून के कुछ दाग पड़े हैं। पता नहीं कल क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं। तो बहुत बड़े आदमी थे, ना किसी बोलते थे, ना कुछ था, ना कोई लड़ाई, ना जरूर झगड़ा। इस वाले आए थे इलवाने मैडम के पास, उन्होंने कहा विनोद जी एक्सीडेंट हो गया, आप चलिए फटाफट। तो मैडम गई हैं तो वहाँ पे चाकू पाकू मार। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आए दिन हम राजधानी में वारदात की खबरें सामने आते हुए देखते हैं। हमारे भी चैनल पर आपने कई सारी ऐसी खबरें देखी होगी, मगर 8:30 बजे के करीब खयाला थाना से कल जो खबर सामने आई बेहद ही दुखद और शर्मनाक है। विनोद नामक व्यक्ति जो कि रघुवीर नगर बी ब्लॉक में रहते थे, काफी सालों से बताया जा रहा है कि 15 सालों से इसी इलाके में रह रहे थे, लेकिन अपने घर से ठीक महज 50 कदम की दूरी पर उनकी हत्या कर दी गई। हत्या इस कदर कर दी गई कि उन्हें चाकू से बार बार मारा गया, फिर कुछ ही मिनटों में अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि वो मर चुके हैं। उन्हें मृतक घोषित करने के बाद जो पुलिस वाले ने फिर तहकीकात की, तहकीकात के बाद पता चला कि चाकू से कई बार उनके बदन पर वार किया गया। लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है, किस प्रकार के व्यक्ति थे वो, क्या उनके संबंध लोगों से ठीक नहीं थे, और भी निकलकर कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। हम यही जानने के लिए अभी उनके घर पर मौजूद हैं, और उनके घर में जो उनके परिवार वाले हैं हम उनसे बात करेंगे, और जिस जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया है वारदात वाली जगह पर भी आपको ले जाएंगे। कुछ ही मिनटों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा, आपको इस खबर की पूरी जानकारी देंगे। दर्शकों, अभी हम उस घर में मौजूद है जहाँ पर विनोद जी रहा करते थे। कुछ ही दिन पहले राखी का त्यौहार था, उनके परिवार वाले घर आए थे ये त्यौहार को साथ में मनाने के लिए, लेकिन कल रात जो घटना हुई है बेहद ही शर्मनाक है। अभी हमारे साथ विनोद जी के जीजा जी गणेश जी हैं, हम इनसे बात करेंगे कि उनका व्यवहार किस तरीके से था, या फिर कभी कुछ उन्होंने सुनी, कुछ कहा सुनी, कुछ बातचीत, कुछ ऐसा झगड़ा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। गणेश जी एक बात बताइए, जो आपके साले जी थे वो किस प्रकार के व्यक्ति थे, पहले बताइए। बिल्कुल बहुत बड़े आदमी थे, ना किसी बोलते थे, ना कुछ था, ना कोई लड़ाई, ना जरूर झगड़ा, कोई मतलब नहीं था किसी चीज़ से। जब ऐसी चीजें हैं कि उन्हें लड़ाई झगड़े से मतलब नहीं था, वो काफी सज्जन व्यक्ति थे, तो फिर कल क्या हुआ ऐसा, या फिर पुलिस वाले ने आपको क्या बताया, क्या कुछ हुआ ये बताइए। पुलिस ने कुछ नहीं बताया, मैं ये कि है जो अब मेरी मान पड़ जाएगी, जो बात है क्लियर होगी आपकी। हाँ, उनको फैमिली वाले आएंगे जब क्लियर होगी तब क्लियर होगी। हाँ खैर, तो कल जब ये घटना हुई तब आपको किसने खबर दी और कैसे मालूम चला आपको? पुलिस वाले आए थे इलवाने मैडम के पास, उन्होंने कहा विनोद जी एक्सीडेंट हो गया, आप चलिए फटाफट। तो मैडम गई हैं तो वहाँ पे चाकू पाकू मार दिए। चाकू पाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया था। अस्पताल ले गए थे, अस्पताल में वही भर्ती, अभी वही भर्ती हुए। हाँ, तो अस्पताल ले जाने के बाद उनकी मौत हुई है, या फिर जिस वक्त ये घटना हुई उसी वक्त? जब मैं पता नहीं साफ करता लगेगा, उस समय कभी थी तो उसके बाद में। ठीक है। विनोद जी कहाँ के रहने वाले थे, उनके परिवार में कौन कौन है, एक बार ये बताइए। उनकी माँ है, बहन है, बीवी है, बच्चे है, सब है उनके। सब है। हाँ। और ये लोग कहाँ के रहने वाले? ये छपरा जिला के हैं। छपरा जिला के। तो जब उन्हें ये बात पता चला, ये खबर आप लोगों ने दी या फिर पुलिस वाले की तरफ से दी गई? हमने दी है फोन। आपने दी? फोन से हमने की रात को, ऐसे ऐसे बात हो गई है। फिर वो लोग आ रहे हैं यहाँ पर? आ रहे हैं, सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे। सुबह 8 बजे तक आज आ जाएंगे, रात को? कल सुबह। सुबह 8 बजे तक आ जाएंगे। राखी का त्योहार मनाने बहन आई थी अपने भाई को राखी बांधने के लिए, लेकिन कुछ दिन के बाद ऐसी घटना सामने आती है, तो वो बहन किस तरीके से अपने आप को संभालेगी, हम यही जानने के लिए आए हैं। कविता जी हमारे साथ, विनोद की बहन। नमस्कार मैम। नमस्ते। मैं आई सोमवार के दिन जी, उन्हें बुलाए थे, मैं मना किया था कि मैं नहीं आता, मेरे बहन मतलब गांव में इतनी साल हो गया राखी बांधने पाए कि तुम आके बांध लो। राखी बांधने आए तो 2 दिन तो सही थे, अब पता नहीं कल क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, कुछ पता नहीं चला। बस तो एक बात बताइए कि उसको सजा मिलना चाहिए, बस। आप इंसाफ की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले ने इस पर आपको कभी इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं की है कि क्या हुआ कैसे हुआ। गए थे वहाँ पर तो
पूछा था तो कह रहे थे कि पकड़ा तो मतलब मालूम तो पड़े कि पूरी तरह से पता नहीं, पता चल जाएगा तो बता देंगे। ठीक है, कल रात को ये घटना हुई है और अभी पुलिस अभी पूरी तहकीकात चल रही है। जिस जगह पर यह घटना हुई वो यहाँ से कितनी दूरी पर है घर से? ज्यादा नहीं, थोड़ी दूर है। दर्शकों, जिस जगह पर यह घटना हुई अभी हम आपको वहां ले चलते हैं कि कहां पर इस घटने को अंजाम दिया गया। वारदात की जगह पर चलते हैं और इसका मुआयना करने की कोशिश करते हैं। दर्शकों, ख्याला थाना में जो खबर कल रात 8:30 बजे के करीब सामने आई, विनोद नामक व्यक्ति जो कि रघुवीर नगर के बी ब्लॉक में रहने वाला था, यही वो जगह है जिसको चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कोई अज्ञात था, कोई अनजान व्यक्ति था, इसके पीछे की क्या कहानी है यह तो अभी इस बात की पुष्टि नहीं करता झलको दिल्ली। मगर ऐसे में जब बीच सड़क पर आप देख सकते हैं, ये बीच सड़क है, ये काफ़ी बिजी रोड है, यहाँ पे लोगों का आवन जावन यहीं से होता है। आप देख सकते हैं मौके पर यहाँ पर पुलिस का बैरिगेड भी लगा हुआ था। जब पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई उसके बाद इसको हटा दिया गया और इस पूरे जगह को खाली कर दिया गया, लेकिन खून के धब्बे अभी भी मुझे दिख रहे हैं। अब देखिए, खून के धब्बे अब सूख चुके हैं लेकिन कई जगह पर खून के धब्बे हैं और जो चीज़ें मैं देख पा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे पुलिस के बैरिगेड पर भी खून के कुछ दाग पड़े हैं। इसके पीछे कई सारे सवाल भी उठते हैं कि किस तरीके से विनोद को मारा गया, क्या आम आदमी सुरक्षित है? 8:30 बजे बहुत चहल पहल हुई होगी इस सड़क पर, ऐसी नहीं है कि 8:30 बजे बहुत ज़्यादा रात हो गई, मगर बीच सड़क पर विनोद नामक व्यक्ति जिनकी उम्र 35 से 40 वर्ष बताई जा रही है, उनकी हत्या कर दी गई। क्या कुछ आपसी रंजिश थी, पैसे की लेन देन? इस पर कई सारे सवाल उठते हैं, लेकिन शर्मनाक बात तो ये है कि रात को जब रोड काफ़ी ज़्यादा बिजी था तब इस घटने को अंजाम दिया गया। फिलहाल के लिए इस खबर पर इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। नमस्कार, कैमरामैन खुशी लाल के साथ मैं शमी रंजन। जय हिंद, जय भारत।